नमस्कार, मैं मुंबई से मंजू मंगल प्रभात लोढ़ा आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भरा नहीं भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, स्वदेश का प्यार नहीं। महाकवि गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की इन पंक्तियों को जब जब मैं पढ़ती हूँ, मेरे अंदर देश प्रेम का एक अलग ही जज्बा लहराने लगता है और मुझे अपने भारतीय होने पर गर्व महसूस होने लगता है। भारत केवल कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हिमालय इसका मस्तिष्क है तो कन्याकुमारी इसके चरण हैं। गुजरात और बंगाल दो इसकी विशाल भुजाएं हैं। कश्मीर इसके माथे का तिलक है तो सागर इसके चरणों को धोता है और मध्य प्रदेश इसका दिल है और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का ताज हमें हासिल है। हमारी संस्कृति महान है, हमारी परंपराएं महान हैं, हमारी विरासत महान है। मैं आज उन सभी देशभक्तों, क्रांतिकारियों और हमारे जांबाज सिपाहियों के चरणों में नमन करती हूँ जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। एक छोटी सी कविता मैं आपके समक्ष रखती हूँ। जब एक सैनिक सरहद पर जाता है तो उसके मन में क्या विचार आते होंगे कि मैं राष्ट्र का प्रहरी हूँ, मौत से नहीं घबराता, सिर पर कफन बांधकर चलता हूँ युद्ध के मैदानों में, सीना ताने दुश्मनों के चक्के छुड़ा देता हूँ। न माइनस डिग्री की ठंड, न चिलचिलाती हुई धूप मुझे परेशान करती है, बस विचलित करती है तो घर से आई कोई चिट्ठी जिसमें पत्नी के आंसुओं में डूबे हुए धुंधले शब्द जब खत पर उभरते हैं तो जज्बातों पर काबू करना बहुत मुश्किल लगने लगता है। याद आ जाती हैं उसकी सारी स्नेहिल बातें और मानस पटल पर कौंध जाती हैं बच्चों की मासूम शरारतें। मैं भी कितना बेबस हूँ जो उन्हें पल पल बढ़ते हुए देख नहीं सकता और माँ बाप की सेवा से वंचित रहने का ख्याल आते ही आँखों से आंसू निकल पड़ते हैं। क्या क्या याद करूँ, दिल को टीस देने वाली ऐसी कितनी ही बातें हैं, पर ये विचार अधिक समय तक कायम नहीं रहता। देश प्रेम इस सब पर हावी रहता है। अपनी मातृभूमि को वंदन करता हूँ और अपने आप से कहता हूँ कि मेरा धर्म और मेरा कर्म तो मेरे देश की रक्षा करना है। मेरा देश है तो हम हैं, हमारा अस्तित्व है। इस देश की रक्षा की खातिर हम अपने प्राणों की आहुति भी दे देंगे। फिर भी मन तो आखिर मन है, कभी मन में ये विचार आ ही जाता है, क्या इस बार छुट्टियों में घर जा पाऊँगा, परिवार के संग दिन बिता पाऊँगा। नव विवाहिता राह देख रही होगी, क्या उसके अरमानों को पूरा कर पाऊँगा। प्रसव पीड़ा में पत्नी के साथ रह पाऊँगा, नवजात की किलकारियाँ सुन पाऊँगा, उस खुशी को सबके साथ बांट पाऊँगा। विचार चलते रहते हैं और फिर देश प्रेम हावी रहता है और इस चिट्ठी के जवाब में न जाने कौन हाथ पकड़कर मुझसे लिखवा लेता है कि न चिंतित हो न घबराओ, हम देश के सुरक्षा बल हैं और हमारा काम है हमारे देश की रक्षा करना। इसके खातिर अगर हम मर भी गए तो शहीद हो जाएंगे और इतिहास के पन्नों पर अमर हो जाएंगे, इतिहास के पन्नों पर अमर हो जाएंगे। बस तो आज एक ख्याल रह रहकर मन में आता है कि वो तो हमारी खातिर अपने प्राणों का बलिदान कर देते हैं, लेकिन हम नागरिकों का क्या कोई कर्तव्य नहीं उनके प्रति? क्या उनके सपनों में रंग भरना हमारा काम नहीं? उनके परिवार वालों का साथ देना क्या हमारा काम नहीं? जरा सोचिए और इस पर विचार करिए। जय हिंद, भारत माता की जय।